चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 16.14 सबसे पहले देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पढ़िए जय क्वेश्चन। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट डबलेट सेकंड प्राइम नंबर एस पम थर्ड अ टोटल एट लीस्ट 9 अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन लाइन एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर साइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल सैंपल स्पेस 36 बना लीजिए। पहला डबलेट कह रहा है तो डबलेट मतलब दो दो के पेयर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 6 तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? नेक्स्ट अगला कह रहा है गेटिंग ए प्राइम नंबर एज ए सम। तो यार छोटा सम होता है 2 और बड़ा से बड़ा सम होता है 12, तो दो प्राइम नंबर एज ए सम कब मिलेगा जब 1 1 है। तीन कब मिलेगा क्योंकि जब 1 1 2 है और 2 1 है और 1 के बाद 3 के बाद 5 प्राइम नंबर होता है, तो 5 प्राइम नंबर के लिए 1 4 4 1 है ना, 3 2 और 2 3 और उसके बाद प्राइम नंबर कौन आता है 7, तो 7 के लिए 1 6 और 6 1, फिर 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है प्राइम। तो 11 के लिए क्या कर देंगे, 4 3 तो हो चुका, 5 2 हो चुका है, 5 6 और 6 5, तो टोटल पेयर बन रहा है 15। आंसर 15/36 डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन E3 गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 9। टोटल आपको सम 9 मिलना चाहिए है ना, लीस्ट 9, तो टोटल लीस्ट 9 मतलब कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी मिल जाए, 11 भी मिल जाए, 12 भी मिल जाए सम। तो 9 किस में मिलेगा, इसमें इसमें इसमें, 10 इसमें मिलेगा, 11 और 9 किस में मिलेगा, 6 3 में है ना। देखिए बाकी केसेस 10 और 11 और 12 के हैं, तो टोटल बने 9 केसेस, तो 1/4। समझ में आया? यस सर। हाँ नेक्स्ट देखिए गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द फर्स्ट डाई एंड 3 ऑन द सेकेंड डाई। तो 2 का मल्टीपल 2 होता है ओके, और 2 का मल्टीपल 4 होता है, 2 का मल्टीपल 6 होता है, मतलब पहले डाई में 2 4 6 आना चाहिए और दूसरे वाले में 3 का मल्टीपल 3 और 6, तो 2 3 2 6 4 3 4 6 6 3 6 6 ठीक ना। और इसका उल्टा कर दो, उल्टा भी चलेगा क्योंकि उसने फर्स्ट सेकेंड नहीं बोला है, बोला है वन डाई एंड सेकेंड डाई। बोलिए समझ में आया? Yes, चले आगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 15 कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 15, वन कार्ड इज देन ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज ड्रॉन इज एन ऑड नंबर सेकंड अ प्राइम नंबर अ मल्टीपल ऑफ 5। बताइए कोई दिक्कत? ऑड नंबर सेकंड प्राइम नंबर, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। एक से लेके 15 तक है, तो ऑड नंबर के केसेस 8 हैं और प्राइम नंबर के केसेस हैं 6, तो आंसर आ गया 2/5 डन। यस सर। ओके नेक्स्ट देखते हैं। 0.3 की एक्सरसाइज से सर वो नया कोई टर्म स्टार्ट हुआ क्या सर? नया कोई टर्म, टर्म का नाम बताइए। समझ में नहीं आ रहा था, बस करा रहा हूँ, आज हो जाएगी वो पूरी एक्सरसाइज। और देखिए इवन गेटिंग इवेंट ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 5, तो तीन नंबर ही होंगे 5 10 15, तो आंसर आ जाएगा 1/5 डन। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर्स अ नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। 3 से बड़ा, 10 से छोटा, कोई दिक्कत? 3 से बड़ा, 10 से छोटा, तो टोटल नंबर कितने होंगे, 4 5 6 7 8 9 होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। और एक सूट में चार नंबर, चार एक चार ऐसे नंबर 6 होंगे, तो टोटल 4 सूट होते हैं रेड है ना, पतास की पत्ती में, तो टोटल 24 डन। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए। फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज फर्स्ट ब्लैक एंड अ जैक, आइदर ब्लैक और अ जैक।
ओके, ब्लैक एंड अ जैक एंड आइदर ब्लैक और अ जैक, ब्लैक हो जैक हो, तो ब्लैक हो और जैक भी हो, दो ही होते हैं ब्लैक और जैक के। और दूसरा कह रहा है कि आइदर ब्लैक हो और जैक हो। ओके, तो ब्लैक के टोटल कितने कार्ड होते हैं? 26, और जैक के चार होते हैं जिसमें दो तो इसी में मिल चुके होते हैं, तो उनको दोबारा काउंट नहीं करेंगे, है ना? तो दो काउंट करेंगे जो नहीं होंगे। यस सर, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन विल नॉट बी एन एस। एस होनी की निकाल लो, 1/13, अनहोनी इक्वल टू 1 माइनस होनी, कर लेंगे। कर लेंगे सर, आगे समझ में? यस सर, आंसर आएगा 12/13, है ना? यस सर, यस सर। चलिए, तो आंसर विल बी 12/13, 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड वर्ड एसिसिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वोवल अ कंसोनेंट। वॉवल के कितने केस? 6। इज इट क्लियर? चलिए, सर, समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैग कंटेन्स 20 डाइस, नो डाइसेस नंबर्ड 1 to 20, ए डाइस इज ड्रॉन फ्रॉम बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ प्राइम नंबर, कंटेन्स अ 5। मल्टीपल ऑफ 3 के 6 केस, प्रोबेबिलिटी 6/20। प्राइम नंबर के 8 केस, प्रोबेबिलिटी 8/20, है ना? एंड इवन दैट नंबर कंटेन्स ए 5, इवेंट दैट नंबर ऑन इट इज कंटेन्स अ 5। एक मिनट, हाँ, तो दो ही केस हैं, 5 और 15, पाँच जिसमें 5 है, सो आंसर 2/20। डन? कुछ पूछना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कमिटी ऑफ टू पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम टू मैन एंड टू वुमेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव नो मैन, पार्ट बी वन नो मैन। मैन, अच्छा वन मैन, नो मैन और वन मैन और टू मैन। हाँ, तीन क्वेश्चन है इसमें है। पहला आपको निकालना प्रोबेबिलिटी नो मैन सेलेक्ट करने की, दूसरा वन मैन सेलेक्ट करने की, और तीसरा है टू वुमेन सेलेक्ट करने की। देखो बेटा, अब सबसे पहली बात, अभी तक हम एक चीज सेलेक्ट करते थे, तो पहला क्वेश्चन आया जिसमें हम टू चीज सेलेक्ट करेंगे, है ना? कमेटी दो लोगों की है, तो दो लोग हमें सेलेक्ट करना है। बेटा देखिए, टोटल कितने लोग हैं? दो वुमेन है और टू वुमेन है, तो मतलब बेस में कितने से? चार में से दो सेलेक्ट करना है। बोलो हाँ यस सर। भाई पी ई इक्वल टू होता है NE अपॉन NS, तो फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे? चार में से दो सेलेक्ट करना। बोलो यस, यस सर, यानी कि 6 4C2। आई थिंक जानते तो हो गए कैसे करते हैं, बस ये भूल गया कि याद है। हाँ, अब इसके बाद ऊपर क्या है? नो मैन। नो मैन मतलब कोई आदमी नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों औरतें ही होनी चाहिए। तो औरतें आपके पास टोटल कितनी थी? दो, दो वुमेन थी, और दो में से दो औरतें सेलेक्ट करना, तो ऊपर कितना आएगा? 2C2। तो 2C2 क्या होता है? 1/4C2 निकाल लो, 4C2 कितना आ गया? 6, तो आंसर आ गया 1/6। समझ में आया कि नहीं आया? 1/6, यस सर, ठीक है ना? दूसरा केस इसका देखोगे तो और बढ़िया समझ में आएगा, इसका दूसरा केस जो है वो और अच्छा समझ में आएगा। देखो दूसरा केस,
तो पहला केस की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। दूसरा केस है इवेंट ऑफ गेटिंग वन मैन, तो एक अगर इंसान होगा, लड़का होगा, तो यकीनन दूसरी तो लड़की होगी। मतलब दो में से एक इंसान सेलेक्ट करोगे, एक लड़का है, कमेटी दो की बनानी है, तो दूसरी तो वूमेन होगी ना। मतलब दो में से एक मैन सेलेक्ट करो और दो में से एक वूमेन सेलेक्ट करो आउट ऑफ 4C2। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो 2C1 कितना होता है? 2 ही होता है। 2C1 में कितना होता है? 2 अपॉन 4C2 कितना निकाला? 6। तो आंसर 4/6। डन। यस सर। अगले केस में क्या कह रहा है? इवेंट ऑफ गेटिंग टू मैन, तो दो लड़के हैं तो दो में से दो मैन उठा लो, तो 2C2। लड़कियां उठानी नहीं है तो 2C0। फिर से प्रॉबिलिटी कितनी आ गई? 1/6 डिवाइडेड बाई 4C2 कर लेंगे। आया समझ में? यस सर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप के आएंगे इस बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एग्जाम्पल 10.16.22 पढ़िए। वर्ड कंसिस्ट ऑफ 9 लेटर्स, 5 कंसोनेंट एंड 4 वोवल्स। 3 लेटर्स आर चूजन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 वोवल विल बी सिलेक्टेड? चलिए देखिए, टोटल लेटर 9 है और 3 सेलेक्ट करना, मतलब बेस में हमेशा क्या आएगा? 9 में से 3 का सिलेक्शन, मतलब टोटल आउटकम 9 में से 3 ही सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना? तो 9 में से 3 3 के पेयर जो सिलेक्ट करोगे टोटल बनेंगे 9C3। अब ऊपर सेलेक्ट करना है जो कंडीशन दी गई। फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 वोवल विल बी सिलेक्टेड। मोर देन 1 वोवल, तो मोर देन 1 वोवल मतलब एक से ज्यादा वोवल। तो दो वॉवेल सेलेक्ट करोगे, तो अगर आप दो वॉवेल सेलेक्ट करोगे तो एक क्या होगा? कॉन्सोनेंट। बोलो यस। यस सर। तो अपने दो केस बन सकते हैं। पहला, अगर आपने दो वॉवेल सेलेक्ट किए, टोटल वॉवेल कितने हैं? 4। तो 4 में से दो वॉवेल सेलेक्ट करोगे 4C2, तो एंड, क्योंकि मल्टीप्लाई काम पूरा नहीं होता तो मल्टीप्लाई चलता है, मल्टीप्लाई 5C1 होगा कि नहीं होगा? बोलो यस सुनो। यस सर। जय, ये काम अपने आप में पूरा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। इसलिए बीच में क्या आएगा? प्लस। तो 4 वावल में से 2 वावल सेलेक्ट कर लिए तो एक काम तो ये हो गया, या 4 में से 3 के तीनों वावल सेलेक्ट कर लो तो भी तीनों वावल, तीन वावल आ गए, लेटर बन गया। बोलो आया समझ में? यस सर। तो काम पूरा हो गया 4C3, क्योंकि तीन अक्षर का ही तो लेटर था। तो टोटल कितने केस बनेंगे? 34। आंसर 34/84। एनी प्रॉब्लम? नो सर। देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत है क्या? No, अगला क्वेश्चन। थ्री नंबर्स आर चूजन फ्रॉम 1 to 20, प्रॉबिलिटी दैट दे आर नॉट कंसेक्यूटिव। ओहो, गुड क्वेश्चन। कह रहा है कि बताइए उनकी कंसेक्यूटिव ना होने की प्रॉबिलिटी क्या होगी। चलिए देखिए, तो बच्चों अगर आपने पास तीन नंबर सेलेक्ट किए गए हैं, तो सबसे पहले टोटल केसेस, 20 में से तीन नंबर सेलेक्ट करे गए हैं, टोटल केस कितने होंगे? 20C3। टोटल केसेस होंगे 20C3। ओके, अब अगर लगातार आप केसेस बनाओ कंसेक्यूटिव होने की, तो कंसेक्यूटिव होने के केस कितने बनते हैं? 18। बना करके देख लो, 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5, है ना? तो यहाँ लास्ट नंबर क्या आ रहा है? 18। तो गिनती से ही समझ में आ रहा है कि 18 केस बनेंगे, मतलब 18 केस कंसेक्यूटिव वाले हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर आने की प्रॉबिलिटी क्या होगी? 18/1140। तो कंसेक्यूटिव ना आने की चाहिए, तो अनहोनी इक्वल टू 1 - होनी, ये आंसर आ गया। चलिए देखिए एक बार, बताइए कोई दिक्कत हो तो। समझ में आया? यस सर। डन, आगे चले। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन। इफ टू लेटर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ इंग्लिश अल्फाबेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वॉवेल्स। दोनों वॉवेल्स, भाई नीचे आएगा 26C2। वॉवेल कितने होते हैं? 5। तो 5C2 दोनों सेलेक्ट करे हो। आंसर 5C2/25 26C2। यस और नो? यस सर। बन जाएगा? यस सर, बन जाएगा। ओके, ये देखिए आंसर 5C2/26C2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। द
जय फिर से ज्वाइन हो जाओ, जय आवाज खरखर आ रही, फिर से ज्वाइन हुई आप। पढ़िए द डिजिट्स। द डिजिट 1 2 3 2 9 आर अरेंज्ड, एक मिनट बेटा, हाँ पढ़िए, आर अरेंज्ड इन अ रैंडम ऑर्डर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 2 3 विल अपीयर एज नेबर्स इन द ऑर्डर मेंशन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है आपको कि 1 2 3 जो है वो अपीयर होते हैं, द डिजिट्स द प्रोबेबिलिटी दैट 1 2 3 विल अपीयर एज द नेबर्स इन द ऑर्डर डिमेंशन। चलिए टोटल डिजिट आपके पास 9 है, तो कह रहा है कि 9 नंबर्स को आपने अरेंज किया है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी टोटल आउटकम्स, तो 9 नंबर को अरेंज करोगे 9 जगह पर, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने मिलेंगे, 9p9, जिसको बोलते हैं अपन फैक्टोरियल 9। बोलो यस। यस सर। अब कह रहा हूं उनमें से इन अरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो जिनमें 1 2 3 हमेशा एक ही ऑर्डर में मिलेंगे। तो अगर 1 2 3 एक ही ऑर्डर में मिलेंगे, अगर आप इनको बांध देते हो एक साथ, तो 1 2 3 के बाद इसको एक डिब्बा मान लो, तो ये 1 हो गया, फिर इसके बाद क्या बचा, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया। तो अगर ये बॉक्स 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अगर इस बॉक्स को पूरे को आप एक डिब्बा मान रहे हो तो टोटल डिब्बे मिलाकर के 7 डिब्बे हुए कि नहीं डिब्बे हुए, बताओ। यस सर, क्योंकि कंडीशन है कि जहां भी जाएगा ये 7 में जाएगा, तो आंसर हुआ फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 9, दैट इज इक्वल टू 1/72। डन। यस सर, डन सर। बन जाएगा। यस सर, बन जाएगा सर। अगला क्वेश्चन करिए बेटा। बैग कंटेन 3 रेड 6 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। ओके, टोटल ब्लैक बॉल कितनी है, 3 है, तो ऊपर आएगा 3 में से 2 ब्लैक निकालना है, 3c2, और नीचे टोटल बॉल्स 3 + 6 9, 9 + 7 16, आंसर 16c2। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अ बैग कंटेन 6 रेड 4 ब्लू एंड 8 ब्लैक बॉल्स, if three balls are drawn at random, find the probability that all the three balls are red. And all the three balls are black. तीन ब्लैक, तीन बॉल निकालनी है, तो 6 4 10 8 18, मतलब नीचे आएगा 18 में से 3 खींचनी है। अब अगर तीनों ब्लैक चाहिए तो ऊपर आएगा 8c3, और अगर तीनों रेड चाहिए तो ऊपर आएगा 6c3। बोले यस और नो। Yes. भाई पहले देखो आपको रेड निकालना, तो रेड की प्रोबेबिलिटी 6 में से 3 रेड निकाल लो, और नीचे 18 में से टोटल रेड निकाल लो, 18c3। बोलो यस और नो। यस सर। तो ये आया 20 और ये आया कितना, 816 ऊपर निकाला था, कर लेंगे। यस सर। अब कह रहा है था ऑल थ्री बॉल्स आर ब्लैक, सारी की सारी तीनों बॉल ब्लैक हैं, तो ब्लैक टोटल कितनी थी, 8, तो 8 में से 3 सेलेक्ट कैसे होंगी, 8c3 आउट ऑफ 18c3। डन। यस सर, डन सर। ओके, चलिए बिल्कुल सही, 8c3 / 18c3 ये दिया आंसर में। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Two dice are thrown together. What is the probability that the sum of the number on the two faces is divisible by 304? Divisible by 304. बताइए कि जो सम आएगा, बेटा एक मिनट, 1 2 3 1 3 4, ये 304 नहीं होना चाहिए, कुछ गलत है क्वेश्चन भाई, यहाँ 3 और 4 है, देखो सोल्यूशन में लिखा है 3 और 4, या तो 3 से डिवाइड हो या 4 से डिवाइड हो। तो बेटा टोटल केस लिख करके 30 केस
36 में से काउंट कर लो। देखो वन और टू का सम जो है थ्री है, तो थ्री से डिवाइड है तो ये केस काउंट होगा। अगला सम फोर है तो कोई काउंट होगा। तो टोटल 20 केस बन गए। आंसर 20/36, 5/9 डन। ये 3/304 नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, ये 3 और 4 है। डन। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द ऑड्स odds against an even by 4:5 find the probability that occurrence of this event। तो odds against में मतलब without favor में जो odds हैं वो 4:5 है। मतलब कि odds against क्या होता है, n e bar ना होने के cases upon होने के cases। तो कितने दिए हैं, 4:5, मतलब ना होने के 4 केस, होने के 5 केस। तो कह रहा है होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो। तो कैसा होगा, एन ई 5 केसेस अपॉन टोटल केसेस, 5 + 4 मतलब 9। तो आंसर आया कितना, 5/9। डन। एक मिनट बेटा, 4/5 फाइंड द अकरेंस ऑफ दिस इवेंट। 4/5 समझ में गलत सा लग रहा है बेटा ये। द ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट आर 4/5 मतलब कि ना होने के फेवर में जो ऑड, अच्छा ना होने के अगेंस्ट इन इवेंट मतलब ना होने के लिए जो ऑड्स हैं वो 4/5 है। मतलब ना होने के केस 4 और होने के केस 5। तो कह रहा प्रोबेबिलिटी निकालिए अकरेंस ऑफ दिस इवेंट। तो 5 है टोटल के होने के केस और 9 टोटल केसेस। बेटा गलत है ये क्वेश्चन, ये गलत सोल्यूशन दिया है। ये कह रहा, ये इसने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है ना वो ना होने के लिए निकाली है। ये डू नॉट अकरेंस की आ गई है 4/9, अकरेंस की होगी बेटा 5/9। गलत है। तो मेरा सोल्यूशन आप लिख लो भाई, ना हो ऑड्स इन अगेंस्ट होता है, ऑड्स इन अगेंस्ट मतलब ना होने के केसेस दिया है 4 और होने के केसेस 5 है। क्लियर? यस। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। तो ये गड़बड़ है क्वेश्चन, है ना, ये गलत क्वेश्चन दिया, रॉन्ग। चलिए अगला क्वेश्चन करिए बेटा, पढ़ो। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड एल्गोरिदम आर अरेंज्ड एट रैंडम इन अ रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर जी ओ आर मस्ट रिमेन टुगेदर एज अ यूनिट। बस वही है, जी ओ आर को साथ में ले लो। अगर आप जी ओ आर को साथ में ले लेते हो तो कितने बनेंगे, 1 2, जी ओ आर साथ में 3 4 5 6 7, मतलब ऊपर आएगा फैक्टोरियल 7, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस कितना, फैक्टोरियल 9। यही आ गया आंसर। डन। यस सर। चलो चलिए अगले, इसके बाद एक्सरसाइज है, इसके बाद एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चंस देखिए आप लोग। ये होमवर्क है आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बच्चों ये आपका होमवर्क है। ये आपको करके लेके आना है। यस सर। और भी है 20 के बाद, ये अभी मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। क्लास में अभी 20 के बाद 21 करना, 22 23 24 25 इतने क्वेश्चन है, ये पूरे के पूरे होमवर्क है। और ये इनके आंसर्स मैच करने के लिए इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, काफी सरल क्वेश्चन है। चलिए अब अगला करते हैं बच्चों, एडिशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल सेट थ्योरी से रिलेटेड है,
बट टू बच, ये एक्जियोमेटिक अप्रोच है, इसको हटा दिया गया है सिलेबस में, ये कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये सेट थ्योरी है, तो कोरोना टाइम में इसको हटा दिया गया है, ठीक ना। तो अपन बस अपने रेफरेंस के लिए पढ़ लेते हैं क्योंकि सेट थ्योरी का रिवीजन हो जाता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि अगर दो इवेंट हैं ए और बी, और अगर दो इवेंट ज्वाइन हैं, तो ये जो पोर्शन कहलाता है इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और ये जो कंप्लीट पोर्शन कहलाता है बेटा यहां से लेके यहां तक, इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो बेटा फॉर्मूला क्या हुआ करता था ए यूनियन बी का, फॉर्मूला हुआ करता था एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसमें भी एन एस का डिवाइड कर दो, मतलब ऑल केसेस, और इसको भी हर तरफ एन एस का डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो एन ए यूनियन बी अपॉन एन एस, मतलब पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पहला फॉर्मूला नोट करिए, पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए, पी पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी इज गिवन बाय दिस। हाँ, प्रूफ वैसा ही है, डिवाइड करने पर ये बन गया। एस क्या है, नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस, एस जो है वो है नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस। यस, देखिए अभी जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या था, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी डिसजॉइंट इवेंट हो तो ये कोई सेट बनेगा ही नहीं, मतलब ये क्या आ जाएगा फाई, और फाई का वैल्यू कितना होता है, प्रोबेबिलिटी जीरो। तो आंसर बनेगा डिसजॉइंट सेट के लिए पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। नोट करिए पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। डन, यस सर। चलिए अगली थ्योरम, इफ ए बी एंड सी आर द थ्री इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए बी एंड सी। तो बच्चों बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला था, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ एन ए प्लस बी प्लस सी। उसी में कुछ नहीं, एन की जगह पी कर दिया है। देखिए इसका प्रूफ, एन ए यूनियन बी यूनियन सी आप लिख सकते हो, एन ए यूनियन होल ऑफ बी यूनियन सी, अब इसको ऐड कर दो, दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना। तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस, अब इसको ओपन कर दो, तो ये ओपन करोगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। क्या बन गया ये अपने पास, देखो बच्चों ये अपने पास बन गया एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस, एक इवेंट को ई मान लिया और एक इवेंट को एफ मान लिया, एक इवेंट को ई मान लिया एक इवेंट को एफ मान लिया। अब क्या करेंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इधर पे हमने एन सी जो है एन ए प्लस एन बी, इसको खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे बी यूनियन सी को, तो बी यूनियन सी कैसे खुलेगा, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और ये कैसे खुलेगा, एन ई प्लस एन एफ, तो माइनस हो जाएगा और प्लस एन ई इंटरसेक्शन एफ। एडजस्ट कर लो इसको, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी है माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्योंकि ई का नाम क्या है ए इंटरसेक्शन बी, और एफ का नाम क्या है ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये देखो साथ में कर दो, माइनस माइनस
और इसको ओपन करोगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, यहां तक तो आ गए हैं, और ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल सही। एन एस का डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। बच्चों प्रूफ नहीं आएगा इसका, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वैसे तो सिलेबस से हट गया है ना। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तीनों तो सीधा आंसर आएगा पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, क्योंकि ये सारे जो कॉमन पॉइंट हैं इसके फाइव हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर किसी प्रोबेबिलिटी में? चलिए अगला देखिए, एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। पढ़ो भाई, एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी मींस। एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। एक्सियोमेटिक अप्रोच इज अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हिच इज बेस्ड अपॉन सर्टेन एक्सियम्स। लेट एस बी सैंपल स्पेस फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ई बी एन इवेंट इन द सैंपल स्पेस। एस विद ईच इवेंट ई वी एसोसिएट अ नॉन नेगेटिव विद रियल नंबर पी ई सच दैट First, G. Probability of E is lying between 0 to 1, where P is the probability of occurrence of event E. P is between 0 to 1, where P is the probability of occurrence of event E and PS is equal to 1. हर कोई जानता है बेटा कि probability जो होती है E किसी event की, वो 0 से लेके 1 के बीच में lie करती है। Yes or no? Yes, sir. और total sample space की probability, मतलब पूरा sample space, पूरे experiment की probability क्या होती है? 1. Yes, तो ये चीजें सबको पता है, तो इसी अप्रोच, इसी को यूज करते हुए जो अपन अप्रोच लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सियोमेटिक अप्रोच, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए कि कोई आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, फॉर नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपके पास W1, W2, W3, खूब सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक होती तो दूसरी नहीं होती, कोई कॉमन शेयर नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस होल इज इक्वल टू PW1 प्लस PW2 प्लस PWN। डन। Yes, चलिए अब देखिए इसके एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल जो अभी अपन ने पढ़ा। पी ए दिया गया है, पी ए और बी, ए और बी का मतलब बेटा पी ए यूनियन बी दिया गया है 0.85, और पी ए एंड बी का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन 0.42, आपको पी बी निकालना है, तो बेटा सीधा ये फॉर्मूला रख दोगे। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? सोल्यूशन देखो। यस सर, आ गया सर। आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PE1, PE2 ये सारे सारे दिए हुए हैं, A बराबर इतना है, B बराबर इतना है, कैलकुलेट PA, PB एंड PA इंटरसेक्शन B। कह रहा है कि भाई PA निकालो, तो A के अंदर कौन कौन इवेंट है? E1 है, E2 है, E6 है, और सब की सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि सब की सब जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। यस देखिए, तो PA इक्वल टू आएगा PE1 प्लस PE2 प्लस PE8, PE6 आना चाहिए यार, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, क्योंकि ए में तो E1 है, E है, 6 आएगा बेटा, यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे 6 आएगा। हाँ 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 0.2, हाँ बेटा 0.07, PE8, E6, ये तो क्वेश्चन में गलती करी है या तो आंसर में, अच्छा तो इसमें गलती है बच्चों, देख लेना बुक में, E8 है यहाँ पे, E8 है, E6 नहीं है, E8 है, हैं यहाँ पे E8 कर लो, देख लो। तो कह रहा है यूजिंग द बाई, पहला कह रहा है कैलकुलेट करो, तो PA इक्वल टू बेटा तीनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो तो आंसर आ गया, बोलो। यस सर। PB में चार पॉइंट हैं, E2, E5, E8, E9, तो E2 प्लस E5 प्लस E8 प्लस E9 चारों को जोड़ दिया, प्रोबेबिलिटी ये आ गई, जोड़ दिया। यस सर। अब कह रहा पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों के कॉमन पॉइंट, तो E5 E8 इसमें भी है और E5 E8 इसमें भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 एंड E8 का आना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 का आना प्लस E8 का आना इक्वल टू 0.17। क्लियर? यस सर। अब कह रहा है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दिया। डन। यस सर। ओके, देन PB बार इक्वल टू 1 माइनस PB, तो PB बार इक्वल टू 1 माइनस PB, तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे निकाल लो, PB की अपन ऊपर निकाल चुके हैं और 1 में से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा PB बार, ठीक है ना। डन। बोलो भाई। और दूसरा तरीका ये है कि B अपन को दिया E2, E5, E8, E9,
तो बी बार कितना हो जाएगा, ई वन ई थ्री ई फोर ई सिक्स ई सेवन पूरे एक्सपेरिमेंट से जो वो नहीं होगी, तो सबकी अलग अलग प्रॉबर्टी जोड़ करके भी 0.68 आ गया। क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर? चलिए ओके। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं इसके शीट्स भेज दूंगा, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना।